तो हेलो गाइस यार, आज थोड़ा सा मूड ऑफ है तो कुछ बात ऐसी हो गई है यार। अब स्टंट और टोचन करने आज से छोड़ दिए हैं। अब ट्रैक्टर सिंपल करना अपना। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में भी देख लिया होगा, छतरी भी उतार दी है और डैक भी उतार दिया है, कल को टायर भी उतार देंगे। तो बस मेरे ख्याल से लास्ट ही वीडियो है यार, इससे बाद और कोई स्टंट टोचन नहीं करेंगे यार, छोड़ दिया। कुछ बात हो गई है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप यकीन करोगे? शायद नहीं करोगे, या शायद कर लोगे। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली मैंने मजाक के तौर पर लिख रखा है कि कोई स्टंट और टोचन छोड़ने वाली कोई बात नहीं है यार। ये तो ये लगा लो बस खून में रम गए हैं भाई स्टंट और टोचन। अब तो जब तक जिंदगी है ना, जब तक ये काम तो छोड़ना ही नहीं यार, इसको तो पकड़ के रखना है अच्छी तरह से, ठीक है? बाकी ये तो खाली यार, वैसे मैंने एक बात वैसे दिमाग में बात आ गई भाई, सारा कुछ उतार दिया है तो थंबनेल में क्या लिखूं, तो मैंने सोचा ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है भाई, ना तो टोचन छोड़ने वाले हैं ना स्टंट छोड़ने वाले। ऐसे ऐसे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और बाकी चलो आज दिखाते हैं आपको कैसे क्या क्या ट्रैक्टर का उतारना है और क्यों उतारना है, वो चीज़ भी हम इसमें बता देते हैं क्यों उतारना है। ये रीजन तो है नहीं भाई स्टंट और टोचन छोड़ने हैं, इसके अलावा एक और रीजन है, वो रीजन अभी वीडियो में आपको आगे बताते हैं क्या रीजन है। वेलकम टू थोड़ा एक होर नई वीडियो दे, आज दी वीडियो स्टार्टिंग कर दिया सोनू दे फेस। तो वाह, जैसे कि आप सभी जानते हो भाई, हम ट्रैक्टर स्टंट टोचन करते रहते हैं तो उसमें ना ट्रैक्टर में एक दिक्कत आती है यार, और वो दिक्कत मैं एक बार आप सभी को दिखाता हूँ क्या दिक्कत आती है। जैसे कि छतरी लगा रखी है ऊपर, और ये जो सेफ्टी गार्ड हमारा जो ट्रैक्टर पीछे पलटने से बचाता है ना, इसका क्या सीन हो गया है, यहाँ से ना इसके नीचे से वेल्डिंग टूट गई है। मैं दिखाता हूँ एक बार, देखो इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तीन चार बार हमने इसको उतार लिया, उतार के दोबारा फिट कर लिया, वेल्डिंग लगा लिया, लेकिन अब की बार ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। अब की बार इसका ऐसा इतना पक्का जुगाड़ बनवा के लेके आएंगे भाई, ये कभी आगे फ्यूचर में परेशान ना करे। इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, इसकी भी गलती नहीं है। इसमें डायक में कम से कम 1 क्विंटल के आसपास इस पेटी पेटी में वजन है, 40-50 किलो के ऊपर छतरी भी होगी, जैसे ट्रैक्टर आगे एकदम से गिरता है ना। तो एक बार इसको उतारते हैं, पहले बेस ट्यूब खोलनी पड़ेगी, इन स्पीकरों के तार हटाने पड़ेंगे, फिर ये छतरी उतरेगी, फिर ये पेटी उतारेंगे, पेटी उतारने के बाद फिर टंकी उतारेंगे, फिर कहीं पे जाके ये उतरेगा। और ट्रैक्टरों में ऐसा नहीं होता, और ट्रैक्टरों में सिस्टम ठीक होता है, उनमें टंकी नहीं उतारनी पड़ती, जॉन डियर में टंकी उतारनी पड़ती है। चलो इस वीडियो से ना एक काम और अच्छा हो जाएगा। अरे बोलते हैं भाई कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं भाई यू पाइप की, कहीं वो प्रॉब्लम आती है उन्हें करना नहीं आता, तो आज इसकी सही अच्छी तरह से ना वीडियो में दिखा देंगे भाई कैसे कैसे इसकी सेटिंग होती है। तो पहले तो ना गाड़ी को एक बार बाहर निकाल लेते हैं, इसकी जगह पे ट्रैक्टर आ जाएगा और ट्रैक्टर की जगह पे गाड़ी आ जाएगी। तो साइलेंट करा दिया, ठीक है यार, साइलेंट में ना म्यूजिक अच्छी तरह से सुनाई देता है। अकड़ा बैठ दिखो रहे थे ना, उस दिन वीडियो मैंने एक बात कही थी, अगर एक ट्रैक्टर पे हम खेती करेंगे उससे ट्रैक्टर पर सौंप करेंगे और उससे पर स्टंट मारेंगे तो दिक्कत आवे आवे। जिस किसी और भी भाई ने ना ऐसा ही जुगाड़ करवा के बेस्ट्यूब लगवानी हो ना, तो उसके लिए अपने यू पाइप में दो तो लंबे वाले नट यहाँ पे वेल्डिंग दो यहाँ पे करा के, और एक ये पाइप ना यहाँ पे नीचे थी पहले, तो वेल्डिंग से कटवा के इस पाइप को हमने थोड़ी ऊपर करवा लिया भाई, वेस्ट्यूब और ऊपर चली जाए इसकी वजह से। तो और दो खाली स्ट्रेचेबल जो नरम लोहे की पत्ती होती है तो उनको ऐसे ये जुगाड़ है, ठीक है। आसान है, किसी और मिस्त्री से अगर उसको ये वीडियो दिखाओगे तो अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो दोनों इनको भी खोल लेते हैं,
इन दोनों खोलने के बाद फिर या पहले छतरी उतार लेंगे, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, पहले छतरी उतार लेते हैं, पेटी उतार लेंगे, एक ही बात है। फिर इन दोनों को उतरने के बाद फिर टंकी का तेल निकाल लेंगे, डीजल की टंकी भरी हुई है अभी भी, फिर डंडा उतरेगा उसके बाद, फिर मिस्त्री के पास जाएगा, इसका जुगाड़ वीडियो में दिखा देंगे क्या कराना है। अब सारी गर्मी ना इसका यही हाल रहेगा, ऐसे ही आपती रहेगी। ज़्यादातर इस अमेरिकन बुली वाली जो नस्ल होती है ना, वो सारी गर्मियाँ ऐसे ही आपती हैं। बेस्ट ट्यूब हमने उतार दिया है, बेस्ट ट्यूब उतारने के बाद ना अब इस छतरी का नंबर है। मैंने सोचा पहले पेटी उतार लेते हैं, फिर नहीं ये उतर जाएगी ना, फिर ये और आसानी से उतरेगी, ठीक है। तो पहले इसको उतार लेते हैं, चार मिनट खोल के ये आराम से उतर जाएगी। तीन जन आप बारी हो रहा उड़ा बिस्तर ला रखे इसका, इस पाना चाहिए सारा ऐसा हो गया। ट्रैक्टर देखो म्यूजिक सिस्टम भी उतार दिया है, अब इसका तेल निकाल लेते हैं टंकी का, गोटी ज्यादा अच्छी है हमारे। दो नट ये और ये पेचकस वाले चार नट हो, चार नट तो इन चार नटों के ऊपर टिकी होती है बस। यार इसकी भी टूट गए हैं, या तो नए लेके आने पड़ेंगे, ये नहीं कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, यहाँ से भी ये टूट गया है, टूटते रही है, ये उतार लिए, ये टूट गए यार सारे के सारे। ये सारा खेल स्टंटों का है, अगर स्टंट ना लगाए ना तो कुछ भी ना टूटे, स्टंट मारते हैं ना तभी ये दिक्कत आती है। जब तक नहीं आते तब तक इन्हीं से काम चला लेते हैं, इस साइड टेप लगी हुई है, दूसरी साइड भी टेप लगवा देंगे और जहाँ टूटा वहाँ फेंक के साथ चेप देंगे। चलो हफ्ता 10 दिन जितने दिन भी ठीक है, एजेंसी में इतने नए ऑर्डर प्लेस करा देंगे, और जब तक नहीं आते तब तक यही चलाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, ट्रैक्टर देखो खाली खाली अच्छा सा लगता है, बिल्कुल बेकार लगता है। डीजल पी के आए चालू है, नहीं होया मैं चालू करूंगा तक नहीं था। कितना तेल है इसमें, हटाइए हटा भीतर दे दे, इसमें आंगली छोड़ ले। और मैं के मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। यहाँ बेटे बंदे तू कुछ था फोरमैन भाई, तेरे पर धोने बंद हो रहे, क्या सीन है, क्या सीन है। बस यार रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। अरे तो आधी जले आओगे भाई, ये ही बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और नहीं चक्कर कोई नहीं, कोचा पनीर खिला देंगे, कोचा पनीर नहीं खाना जीव।
भीतर तो नहीं कहा ढिले थे अभी सारा का सारा यू ना एक स्निप है एक उसने खोल ले था ढिले हो रहे नानू ढिले हो रहे और बताऊं के हमारा पंखा मार रहा है शेर का मार ला 14 का लास्ट का है 11 महीने लेने से चार हां तब दिन से ज्यादा बेफाक रहा थी बस 150 बैठे और संभावना का सर तरीके रंग से मतलब फर्क पड़ा कई दिन बाद मेरा लगता है इसका नहीं सेट हो गया हां सामरी लीप दे एक मिनट में इतनी वार बताऊंगा थंबनेल बनाने लग रहे भाई यूट्यूब के चैनल का नहीं वीडियो खतर अखबार दर छोड़ रहा है बुक शर्ट मल्ली नहीं हो जाए बसो बसो कड़ जगह उल्टा आ जा खड़ा था तू एकदम सीधा पेंटर को मारी तो सीधी टक्कर जाएगा चलो खड़े हो एक बार पेंटर को मारी तो सीधी टक्कर जाएगा चलो खड़े हो एक बार अच्छा जा यार और नून हो जाए मोगा सारा शांत है भैया इवन ठिकाने लाऊंगे दो चार दिन में फिर चढ़ाऊंगे मैं डंडा सारा मूसर अपना यू पाइप बिल्कुल बैंड हो जाएगा थी ਹੁਣ ਕੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭਿੜਦਾ ਸਰੰਸਰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਟਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦਿਖਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ये सोच रही है भाई कोई घर पे कोई और आ गया देखो यार कितना फर्क है कितना टेढ़ा हो गया ये बिल्कुल ऐसे झुका हुआ है इस तरफ ऐसे झुका हुआ है देखो यार
भाई स्टंट ऐसी चीज होती है यार, इनमें तोड़ फोड़ ज्यादा होती रहती है। अब यार कोई भी, मैंने पहले वीडियो में बताया भाई, या तो चीज से किसी चीज से शौक कर लो, या उससे खेती कर लो, या फिर टोचन कर लो, या फिर स्टंट कर लो। हम सारे की सारी चीज़ें इसी ट्रैक्टर से करते हैं बिल्कुल। टोचन हो गए तो भी इसी से, कोई स्टंट करना तो भी इसी से, अपना शौक भी इसी से और खेती भी इसी से, ठीक है। तो तीनों चारों चीज़ एक ही ट्रैक्टर से करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। ऐसे आता है ना उसमें ना, ये वाला जो ये लगी हुई पत्ती, ये नहीं आती, खाली ऐसे सीधा ऐसे आता है। ये वाला जो आड़ नहीं लगा होता ऊपर, ये अलग लगा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे भी ये मैंने एक्स्ट्रा सपोर्ट इस पर लगाई थी भाई, ताकि ये मुझे ना, ये यहाँ से ही वेल्डिंग टूट गई इसकी, जब नट टाइट होता है ना ये सारा सारा, यार ये ख़राब हो गया बिल्कुल। गोल नट होता है, देखो कैसे नट ने अपना रास्ता बना लिया ऐसे घिस घिस कर। अब देखते हैं यार, या तो ऐसा ही नया लेके आएंगे, या फिर एक एजेंसी से आता है, वो थोड़ा सा इससे दिखने में पतला होता है लेकिन वो मजबूत होता है, साइज में इससे छोटा होता है, वो पतला होता है लेकिन मजबूत होता है। चलो देखते हैं, तो एक दो दिन में प्लान बनाते हैं, जो भी लेके आएंगे सोच समझ कर अच्छी तरह से, के अब की बार पक्का काम करना है इसका। तो हेलो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लास्ट में मैं आपसे ही दो चार बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे भाइयों भी कमेंट करते हैं भाई आप हरियाणवी में वीडियो बनाया करो, हरियाणवी में अच्छी लगती है। यार हरियाणवी तो मुझे बोलनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरे लिए आसान भी हरियाणवी भाषा बोलनी भाई, अपनी तो ये स्टार्टिंग से हरियाणवी लैंग्वेज अपनी, और मुझे ये लगा लो हिंदी में थोड़ी बहुत बोलने में दिक्कत होती है, पंजाबी बोलने में भी दिक्कत होती है, हरियाणवी बोलने में तो मुझे कुछ दिक्कत भी नहीं होती यार। पर अब यार आप भी थोड़े समझदार हो यार, चैनल पर अपने यार जितने भी 30-40 हज़ार बंदे अपने वीडियो देखते हैं हर रोज डेली, तो यार उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, जो MP गुजरात पंजाब के जो लोग हैं ना, उनको ना हरियाणवी समझ नहीं आती बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा यार उनके लिए भी। अब आप जो हरियाणा के अपने भाई हैं, तो यार आपको तो यार हिंदी भी आती है, आप थोड़ा कर लो यार प्लीज, समझा करो आप थोड़ी सी बात को, जो ये पंजाब के भाई है और जो गुजरात के MP के हैं और UP के हैं, तो हिंदी सभी की समझ में आ जाती है, तो यार मैं क्या करूँ यार। ये कमेंट बढ़े यार, अभी HMT 65 22 है जिसका इंटरव्यू लिया था भाई, उसका उसके साथ टोचन करके देखो, तो बाकी कोई नहीं देखते हैं उसके साथ टोचन, कभी जब वो खेत में आएंगे ना, जब गन्ने की ट्राली निकालनी होती है या कुछ और काम होता है, तो कभी ऐसा कुछ सीन बनेगा ना, तो जरूर करके देखेंगे उसके साथ टोचन, ठीक है, वीडियो जरूर डालेंगे। और भाई अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी सीजन का टाइम चल रहा है ना, तो अभी नहीं हो पाएगा, बाकी कर लेंगे टोचन उसके साथ, कोई जब आपने बोला है ना भाई करना है तो कर लेंगे, तो जब भी टाइम आने तो टाइम पे सभी काम होते हैं। और रहेगी बात अपने बम्फर की, तो जैसा यार हमने सोचा था वैसा उस मिस्त्री से बन नहीं रहा है, तो कोई मिस्त्री और ढूंढ रहे हैं, कोई अगर मिल जाए तो यार बनवा लेते बम्फर। यार बहुत दिन हो गए हैं यार, पापा भी इतने गुस्सा कर रहे हैं, अभी इस पे बम्फर चढ़ा ले, या तो पुराने वाला चढ़ा ले, या नया जो तूने अच्छा तुझे जिस डिजाइन का तुझे चाहिए, जो तुझे तू बनवाना चाहता है, या तो वो चढ़ा ले, या फिर ये पुराना ये मैं इसको चढ़ाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी देखते हैं, अगले संडे से पहले पहले करते हैं उसका जुगाड़।